कौन सी 13 फिल्में हैं जो हिट ही हुई लगातार? कौन है वो डायरेक्टर जिसने दी सिर्फ बॉलीवुड हिट? नन बन कौन सी हिंदी फिल्म का थी तमिल रीमेक? आज हम बात कर रहे हैं रोबोट नायक हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले शंकर की। एक बार शुरुआत करने के बाद शंकर लोकप्रियता और कमर्शियल रूप से ऊंचे उठते गए हैं। उनका साउथ में वैसा ही कल्ट है जैसा रजनीकांत का है। करीब 23 साल हो रहे हैं उन्हें काम करते हुए और इन वर्षों में 13 फिल्में का निर्देशन उन्होंने किया है, हैज 9 फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी 13 में से 10 फिल्में हमने भी देखी हैं और उस समय होने वाले एक एक बच्चे को याद होगी। उनकी हर कहानी छोटे से आइडिया से आगे बढ़ती है और बहुत सारे अन्य गुणों से एक अच्छी कहानी का रूप पा लेती है। इनकी 10 फिल्मों में जो हिंदी में आई उनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए उनकी हिंदी में आई 10 फिल्मों पर नजर डालते हैं। पहली द जेंटलमैन 1993 की है जिसमें हीरो अर्जुन धनवानों के यहाँ चोरी करता है ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके। हमसे है मुकाबला 1994 की प्रभु नाम के युवक के बारे में है जिसमें राज्यपाल की बेटी से प्यार हो जाता है लेकिन वो साधारण परिवार से है, उसे अपना प्यार भी जीतना है और राज्य में होने वाली बड़ी आतंकी वारदात को भी रोकना है। हिंदुस्तानी 1996 एक 70 साल के बुजुर्ग सेनापति की कहानी है। वह घोर ईमानदार है और अपने राज्य में रिश्वतखोरों को एक एक करके मारना शुरू करता है। लाइव टीवी में भी वह आजाद हिंद फौज में रहा है और देश की आजादी के लिए लड़ा है। उसकी बेटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। अब उसका बेटा भी थोड़ी बहुत रिश्वत लेने लगा है तो वो अब उसे भी मारेगा। जींस 1998 में अमेरिका में बसा एक तमिल रेस्टोरेंट व्यापारी है जिसके दो जुड़वा बेटे हैं और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक ही लड़की मधुमिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बाद में एक भाई रास्ते से हट जाता है तो पिता शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि पिता भी दो जुड़वा भाई थे और शादी के बाद उनका भी घर बिखरा था। नायक 2001 में आई एक ईमानदार पत्रकार शिवाजी राव की कहानी जो राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेता है और एक एक सवाल में उसके घोटाले उजागर कर देता है। फंसा मुख्यमंत्री उसे चैलेंज करता है कि कहना बड़ा आसान है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर देखे फिर पता चलेगा और शिवाजी इस शर्त को मानकर एक दिन का सीएम बनता है। ये तो हम सबने देखी है जो अनिल कपूर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इसके बाद अपरिचित 2006 अंबी की कहानी है जो उपभोक्ता हितों का वकील है, बेहद आदर्शवादी है, चाहता है कि सब कानून का पालन करें लेकिन अपने आसपास भ्रष्टाचार को देखकर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वह भ्रष्टाचारियों की सूची बनाता है और हिंदू धर्म की पुस्तक गरुण पुराण के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीकों से मारना शुरू कर देता है। सातवीं हिंदी फिल्म है शिवाजी। इसी नाम वाले नायक की कहानी है जो अमेरिका से अपने राज्य लौटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई व इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता है लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसे ऐसा करने नहीं दे रहा और अब शिवाजी उसे अपने तरीके से सुलझाता है। अब बारी है रोबोट 2010 की जो एक वैज्ञानिक अपनी ही शक्ल वाला एंड्रॉयड रोबोट बनाता है लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशन और समझने की शक्ति विकसित कर लेता है और इस वैज्ञानिक की प्रेमिका के प्रेम में पड़ जाता है। बाद में वो ही इंसानों के विनाश पर उतर आता है। फिर आई फिल्म आई 2015 में एक बॉडी बिल्डर लिंगसन की कहानी जो एक टॉप मॉडल बनता है लेकिन फिर उसका शरीर विकृत होने लगता है और वो कुबड़ा हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका और लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि उसके दुश्मनों ने धोखे से उसे इंजेक्शन लगाकर इस तरह से कर दिया है तो वो एक एक करके सबको सजा देना शुरू कर देता है। दसवीं फिल्म रोबोट 2.0 है। 2018 में बनी ये फिल्म रोबोट की आगे की कहानी है। इसमें वैज्ञानिक और उसका रोबो है और इस बार उनका सामना दुष्ट डॉक्टर रिचर्ड से होता है। शंकर के निर्देशन में सिर्फ बॉयज ही ऐसी तमिल फिल्म रही है जो हिंदी में नहीं लगी। एक अन्य फिल्म नन बन थी जो थ्री इडियट्स की तमिल रीमेक थी और अब शंकर के निर्देशन में ही रोबोट 3.0 आने वाली है जिसमें पहले से ज्यादा तकनीकों का प्रयोग होने वाला है। अब की बार रोबोट पहले की सभी रोबोट से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब वो इंसानों को मारता है या फिर जानवर को इंसान बनाता है ये तो रोबोट 3.0 को देखने से ही पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड देखें तो शंकर की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, किसी ने भी प्रोड्यूसर निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के बॉलीवुड समेत सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं रोबोट 3.0 भी इसी सूची में शामिल होगी।
तो आपको क्या लगता है कैसी होगी रोबोट 3 की कहानी? क्या ये पहले के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।